ये अपना लूअर्स बन करके तैयार हो चुका है। इस तरीके से अगर आप हल्का सा सिर्फ आपको निकालना है बाहर, यहाँ पे एक भी शेप का इस तरीके से क्या करना है, कैसे हो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट आर सॉल्यूशंस में। यहाँ पे आप देख रहे हैं एसीपी है और इतना ज़्यादा राउटर मारा हुआ है कि राउटर मार मार करके हालत खराब हो गया है। ये 4 फीट का सीट है जिसको राउटर मार करके देखिए कितना छोटा सीट हो गया, लगभग 2 फीट के आसपास सीट आ गया है ये, हालांकि 4 फीट का सीट था। लेकिन जब ये इंस्टॉल होगा तो बड़ा ही जबरदस्त का लुक आएगा, लूअर्स वाला लुक आएगा और ऐसे ऐसे स्ट्रिप रहेगा। तो फिलहाल इसको बनाते कैसे है, इसका कुछ प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। इसके लिए चाहिए आपको ये राउटर ब्लेड जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। राउटर ब्लेड का काम क्या रहता है, एसीपी को जब आप देखेंगे तो एक लेयर होता है उसमें अल्मोनियम, फिर बीच में होता है रबर, फिर पीछे साइड में होता है अल्मोनियम, मतलब कि ऊपर नीचे अल्मोनियम और बीच में पूरा रबर रहता है। तो ये राउटर ब्लेड जो है, यहाँ पर आप नज़दीक से देखिएगा, यहाँ पर एक भी शेप का इस तरीके से क्या करता है, एक लेयर आपका अल्मोनियम को हटा देगा और रबर जितना है बीच का वो हटा देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर का एक लेयर अल्मोनियम को हटा दिया है, बीच का रबर को हटा दिया है। जब रबर हट जाता है तो ईजिली इस तरीके से बैंड हो जाता है। तो फिलहाल इसी को बैंड करके लूअर्स बना करके आपको दिखाएंगे कैसे किस तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। तो फिलहाल ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, ये एसीपी कटर आप ब्लेड इसको बोल सकते हैं, एसीपी राउटर ब्लेड, ये आप देख लीजिए, ये प्लाई कटर मशीन में इस तरीके से सेट होता है। इसको एडजस्ट करना पड़ता है, हल्का सा सिर्फ आपको निकालना है बाहर ताकि आपका सीट नहीं कटिंग हो, सिर्फ रबर कटे इसका, ठीक है। फिलहाल हम इतना बड़ा सीट को इतना दूर तक आप बनाएंगे तो 1-1 इंच का राउटर मारने वाले हैं। यहाँ पे हम दाग लगा लेते हैं 1-1 इंच में, जल्दी जल्दी से। ये अपना 1-1 इंच में हम दाग लगा लिए हैं। अब सिंपल अब यहाँ पे बारी आ जाता है राउटर मारने का, तो इधर से राउटर मारना होगा, इधर से ये दो लाइन छोड़ करके अगर ये ठीक है। तो ये नापी जो है ना, ये नापी डिपेंड करता है कि ये जो आप प्लाई लगाए हैं ये कितना इंच में आप यहाँ पे सेट किए, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे नापी मिलेगा। ज़्यादा टाइम लगा देखने में, आपको लगा होगा बहुत जल्दी हो गया, इससे हम इसके बना सकते हैं, देख रहे हैं गोल भी कर सकते हैं, गोल नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक पीस को छोड़ देंगे, दूसरे पीस को भी छोड़ देंगे, तीसरे वाले पे हम 1 इंच का है तो 1 इंच का यहाँ पे पाइप इस तरीके से लगा लेंगे और यहाँ से इसको उल्टा इस तरीके से बैंड करेंगे। देखिए दिख रहा आपको, यहाँ पे इस तरीके से ये अपना बैंड होगा, ये अपना एक बन चुका है। फिर उसी तरीके से देख रहे हैं ग्रुप होते जा रहा है, लेकिन काफी ज्यादा मेहनत वाला काम है। दो दो पीस छोड़ करके इसको इस तरीके से बैंड करते जाना है। आप अगर
अगर हमारे चैनल पे घूमते फिरते कहीं से आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए। और जो पुराने सब्सक्राइबर है एक काम कर दीजिएगा, आपका तो फेसबुक आईडी जरूर होगा, कंप्लीट आर्ट के नाम से फेसबुक आईडी मेरा चलता है, वहाँ पे जाकर के आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को एक बार फेसबुक में जरूर शेयर कर दीजिएगा, देखते कौन कौन अपने सब्सक्राइबर है जो वीडियो को शेयर कर देते हैं, तो वो चीज़ आज पता चल जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, और जो लोग नए देख रहे हैं वो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा परफेक्ट करने के लिए एक काम और करते हैं हम लोग, ताकि इसको अभी ऐसे उठाएंगे और ले जाएंगे तो फिर इसका जो है ना हल्का सा कहीं कम ज़्यादा खुल जाएगा वापस से, तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं। ये अपना 12 mm का WPC है, इस गैप में इसको अभी भर देंगे। इस गैप में हम इस तरीके से देखिए नापी का ही है, इसी नाप से बनाए यहाँ पे बॉन्ड से इसको पेस्ट कर देंगे। पकड़िए, दबाइए, ऐसे दबाइए, ऐसे ये देखिए, जैसे कि अपना जो बना हुआ है ये सारा बड़ा वाला साइज का भी, इसको भी इसी तरीके से किया। इसे क्या है कि अभी उसको ले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन काम नहीं होगा, और इतना ज़्यादा राउटर है कि साइड पे जाकर के राउटर मरवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए हम यहीं पे राउटर सारा करवा ले रहे हैं। और इसका इंस्टॉलेशन का भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो पेमेंट कर दीजिएगा, बहुत जल्दी इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो भी डाल देंगे, वहाँ पर आपको लेटर वगैरह सारा चीज़ भी इंस्टॉल होगा। ऐसे नहीं ज़्यादा दिक्कत कर रहा है चिपकने में ना, इस जगह पे हम स्प्रे एक्टिवेटर जो है पॉलीफिक्स का उसको स्प्रे कर देंगे, बस जल्दी काम कर जाएगा। ये अभी आप देख सकते हैं, ये जो हम बीच में लगा दिए तो सामने एकदम परफेक्ट लुक आएगा, और अभी इसको इस तरीके से उठाएं तो राउंड राउंड हो जा रहा है, आप देख रहे हैं ना। इसे हम और भी परफेक्ट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सफाई कर लेंगे, पीछे दबावी हल्का सा आ गया है, इस दबावी को ये देखिए इस तरीके से ये हो गया सफाई। इसके ऊपर में हम डाल लेंगे जेल ग्लू, जो कि ये पॉलीफिक्स कंपनी का है, आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे जेल ग्लू लगा दिए। और यहाँ पे ले लिए हम अपना ACP, और इस पर हम कर देंगे एक्टिवेटर स्प्रे, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल इसे इस तरीके से दबा देंगे, एक्टिवेटर स्प्रे कर दिए हैं तो ज़्यादा देर आपको यहाँ पे मेहनत नहीं करना, तुरंत चिपक जाएगा। अगर एक्टिवेटर स्प्रे नहीं करते हैं तो आपको 10-15 मिनट किसी चीज़ से यहाँ पे दबा करके या आधा घंटे के आसपास छोड़ना पड़ेगा, और एक्टिवेटर स्प्रे कर रहे हैं आपको फिर तुरंत जाएगा। किधर किसी तरीके से कर लेंगे, और लंबा सीट है तो कुछ कुछ दूरी दूरी किस तरीके से लगा लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये अपना हो गया पेस्टिंग, ये देखिए ये अपना पेस्ट हो गया। अब ये राउंड भी नहीं हो रहा,
अब आपको इसको 10 तल्ला के ऊपर में भी लेकर के जाना है, तो जैसा का तैसा परफेक्ट लुक रहेगा जरा सा भी आपका। और नहीं तो अगर ये सारा चीज़ नहीं लगाते हैं ऐसे उठाएंगे तो फिर अलाइनमेंट हटेगा, फिर साइड पे आप सेट कीजिए, फिर मिलाइए, उसके बाद स्क्रू कीजिए, तो ये सारे मेहनत से आप बच जाएंगे। अब इसका हम लेमिनेशन हटाते हैं, पकड़िए हटाइए लेमिनेशन, फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कैसा होता है। तो ये देखिए, ये अपना लूअर्स बन करके तैयार हो चुका है। इस तरीके से अगर आप इसको शॉप में लगाते तो बहुत ज़बरदस्त का लुक आ रहा है, लेकिन मेहनत भी उतना ही ज़्यादा होने वाला है। तो ऑर्डर लेने से पहले इसका तो ख्याल रखिएगा। अगर आप दुकानदार हैं और इस तरीके का साइनेज बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको झारखंड बिहार में कहीं से भी ये सर्विस आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो इसी तरीके के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।